अल्लाह शब्द संस्कृत से आया, निश्चल आनंद सरस्वती बोले, दुनिया में केवल हिंदू सनातन धर्म ही एकमात्र रिलीजन। पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चल आनंद सरस्वती ने जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के ओम भरे बयान पर पलटवार किया है। निश्चल आनंद सरस्वती ने कहा कि अल्लाह शब्द संस्कृत शब्द है। उन्होंने कहा कि धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग हमारे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करें, क्योंकि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही थे। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विश्व में एक ही धर्म है, हिंदू सनातन धर्म। उन्होंने दावा किया कि बाकी सभी धर्म सिम संप्रदाय हैं। उन्होंने कहा कि धर्म पर सवाल उठाने वाले पहले संस्कृत व्याकरण सीख लें। हम सभी सनातनी वैदिक आर्य थे। शंकराचार्य निश्चल आनंद सरस्वती ने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के शास्त्रों के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। निश्चल आनंद सरस्वती ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को भटकने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो भगवान का नाम लेकर अच्छा करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि उन्होंने कोई चमत्कार किया। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है भगवान हनुमान की शक्ति के कारण हुआ है। स्वामी निश्चल आनंद सरस्वती के इस बयान पर सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक शख्स ने स्वामी निश्चल आनंद सरस्वती के बयान की तस्दीक करते हुए लिखा, राधा जी को अल्लाह दीन शक्ति माना जाता है कृष्ण की। अल्लाह अक्का अम्बा अनेक संबोधन है, परमेश्वरी मूल शक्ति हेतु जिसे हम मातृ रूप में पूछते हैं। एक और शख्स ने निश्चल आनंद सरस्वती के दावे पर कहा, फिर देर किस बात की, अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहो। त्रिपाठी SN नाम के एक यूजर ने लिखा, आजकल आस्था को विवादित बयान देने की बाढ़ आ गई है, धर्म को धंधा बना दिया है, पतन की प्रकाष्ठा है। DSR पटेल नाम के एक शख्स ने लिखा, भगवान सत्य देखता है लेकिन इंतजार करता है। आपको बता दें, इस्लामिक धर्म गुरु अरशद मदनी ने बयान दिया था कि ओम और अल्लाह एक ही है। उन्होंने ये भी पूछा कि जब धरती पर कोई नहीं था तब मनु किसे पूछते थे। उन्होंने कहा कि आदम हिंदू और मुसलमान दोनों के पूर्वज हैं। जब मदनी ने बयान दिया तो वहाँ पर जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि भी बैठे थे, लेकिन मन छोड़कर चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ धर्म के लोग बैठे थे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के इस दावे को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।